बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी कि BSEB का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। एग्ज़ाम में इस बार OMR बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको किस तरह का OMR पे अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा उन स्टूडेंटों के पास जिनको ये ज़रूरी है, ठीक है। तो OMR पे इस बार जो है आपका फ़ोटो रहेगा, यानी कि फर्जीवाड़ा जो है, अगर कोई सेटिंग वाला रहता है कि किसी के सीट पे कोई बैठ जाता था तो वो जो है इस बार बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि OMR पे आपका ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन टर्म दिए होंगे फ़ोटो, वो फ़ोटो आपको उस OMR सीट पर रहेगा। तो आइए हम OMR का फॉर्मेट, आपको कैसे डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको जाननी, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं और गूगल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं freejobsfind.com, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं freejobsfind.com पे आपको जाना है, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए ये पेज खुल के सामने आ चुका है इसका वेबसाइट का। इसी में आपको सबसे नीचे जाना है और इस वेबसाइट पे आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। समय समय पे बिहार में कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा उसका आपको अपडेट मिलते रहता है। तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे में डाल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्री अपपोस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। यहाँ पर आने के बाद BSEB इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्वेश्चन 2020 पे आपको क्लिक करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो है इसका मॉडल जो BSEB की तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का रिलीज किया गया है वो एक बार डाउनलोड करके ज़रूर टेस्ट लगा लीजिएगा। वैसे तो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो एग्ज़ाम आपका जो आने वाला जो प्रोग्राम में लिखा होगा वो क्वेश्चन का मॉडल से डाउनलोड करके आप लोग इसका टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन 12th का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 4 class 12th बांग्ला दे, यहाँ पे 10 सेट दिया हुआ है, ठीक है। 2017 का एनुअल एग्जामिनेशन है, और मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें जो VVI क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक जानते होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं बनाए हैं, वैसे इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 सेट है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेट है, आर्ट का, इकोनॉमिक्स का, मैथली का, साइकोलॉजी का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी का, अल्टरनेटिव इंग्लिश का, NRB का, हिंदी का, हिस्टोरी का, ज्योग्राफी का, उर्दू का, मैथ का, केमिस्ट्री का, पार्सियन, फिजिक्स, अरेबिक, यानी कि यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस, सोशोलॉजी और यहाँ पे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपको 4 सेट दिया रहा है ऑब्जेक्टिव का, ये तो ज़रूर आप लोग लगा लीजिएगा अपना टेस्ट सारे कुछ यहाँ पे मॉडल से डाउनलोड करके, जो एग्ज़ाम आपका शेष बचा हुआ है। और यहाँ से अपना जो OMR डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा दोस्तों इसका नेक्स्ट पेज खुलेगा, जहाँ से आप लोग इसका OMR प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी जो है देख सकते हैं, कैसे आपको OMR भरना है, किस तरह, यहाँ देखिए ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से OMR भरना है, OMR भरने में बहुत ही आपको सावधानी बरतना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें आपका रोल नंबर भर देना है, और 1 जहाँ पे है उस वहाँ पे आपको यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से गोले को रंगना होता है, 2 जहाँ पे है 2 को आपको रंगना होगा, 3 जहाँ पे है 3 को रंगना होगा, 4 जहाँ पे है उसके सामने सामने पे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको भरना होगा। ये BSEB की तरफ से रिलीज किया गया है इंस्ट्रक्शन, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और एक सीरियल नंबर जो आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे रहता है वो सीरियल नंबर OMR पर भी रहेगा, और इस साल जो है आपका फ़ोटो भी OMR पे रहने वाला है। तो लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन BSEB की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, बस आप लोग को वहाँ पर जाके, और बाज़ार में भी आपको मॉडल सेट का जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग खरीद के उस पर एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में OMR में अगर किसी तरह का आपको भरने में कोई दिक्कत हो जाता है, कोई गड़बड़ी आ जाता है, तो आपका OMR जो है जांच नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बार कोड आपको बगल में दिख रहा होगा, इस पे आपको नहीं कुछ करना है, उन्हें फोल्ड करना है। अगर आपका बारकोड किसी तरह का इरर हो जाता है तो आपका जो OMR है वो नहीं टेस्ट हो पाएगा। ये मशीन के माध्यम से टेस्ट होता है, ये चेक होता है, जिससे यहाँ पे देख रहे हैं ये इसी के माध्यम से होता है चेक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके OMR पे किसी तरह का कोई स्क्रैच ना लगे या फोल्ड ना करें, तो आपका OMR बिल्कुल जो है सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी सावधानी होती है, आप लोग इसका इंस्ट्रक्शन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से
आज के पेपर में भी ये रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस बार जो है 12,05,000 इंटरमीडिएट के में एग्जामिनेशन जो है होगा उसमें उपस्थित होगा। इंटर परीक्षा कल से उत्तर पुस्तिका और OMR पर रहेगी छात्रों की तस्वीर, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल ऐप से परीक्षा की होगी निगरानी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 13 फरवरी तक इसका जो है एग्जामिनेशन होगा 1283 केंद्रों पटना का ये इन्फॉर्मेशन है। और प्रवेश पत्र में अगर आपका किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो यहाँ पे आपको इंट्री 6 विकल्प यानी कि इंट्री के 6 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपका OMR सीट में सॉरी दोस्तों एडमिट कार्ड में किसी तरह का कोई ईरर है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना चाहिए जिससे आपका उसमें इंट्री मिल जाए, तो 6 तरीका दिया गया है। वो 6 तरीका इसमें आपको पूरी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें कौन कौन से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। इस बार परीक्षा में छात्रों की OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका पर तस्वीर लगी होगी, यानी कि दोनों पे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन बुकलेट और आंसर बुकलेट दोनों पे आपका जो है फोटो रहेगा। इस बार 12,05,000 जो है अभ्यर्थी आवेदन किया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने या बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने से अपराध में पकड़े गए छात्रों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप लोग अवेयर रहिएगा, अपने आसपास किसी तरह का चिट्ठी पुर्जी देखते रहिएगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी तरह का एरर है इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसके दैनिक जागरण वाले पेज कल वाले जो है पेपर उससे आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दिए हैं, वहाँ से भी इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने स्टूडेंटों के पास ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिले और BSEB के ऑफिशियल साइट पर जाके ये इन्फॉर्मेशन देख सकें। ये थी आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।